वेलकम टू इनकाउंटर गेमिंग। सो आज हम कहीं पर घूमने जा रहे हैं 1.5-2 साल बाद। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, पबजी रिटर्न आने की खुशी में हम भगवान के दर्शन लेने तो जा रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। सो चलो चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर है, बट आने जाने में मज़ा बहुत आने वाला क्योंकि बारिश का मौसम है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो गाइस, सो हम जो है जलगांव सिटी के बाहर आ चुके हैं, कचकच पचपच से बाहर आ चुके हैं। अभी हम जो है हमारे कॉलेज के पास है, आपको हमारा कॉलेज जो है पीछे जो है नज़र आ ही रहा होगा। तो पद्मालय तो ठीक है, हम पहुंच तो जाएंगे, बट बीच में अगर कोई अच्छे अच्छे सीन्स आते हैं तो वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आगे बढ़ते हैं। चलो गेट तक हम आ चुके हैं, ऊपर एंट्री गेट से हम एंटर कर रहे हैं। अरे गाड़ी में नहीं चल रहे भाई, भाई गाड़ी से लगा देंगे गाड़ी अभी। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं ऊंचाइयों पे, इससे ज्यादा हमसे होगा भी नहीं और बोलना भी नहीं, बस बहुत थक गए थोड़ा सा वैसा। फिर अभी हम ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हो आप नज़ारा, बैक कैमरा से भी एक बार दिखा दूँगा मैं आपको, कतई जन्नत, पीछे मौज मज्जा सब है वैसे, छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आता है, छोटा सा पहाड़ है बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ से जो व्यू मिल रहा है वो हमारे लिए बड़ी बात है। वक्त आ गया है, हमने वो थोड़ा सा फोटो की निकाला, यहाँ पे सब धूम चल रही है, ठीक है अभी नीचे उतरेंगे, धूप आ रही है बहुत बढ़िया से। तो पहाड़ अच्छी तरीके से हमने जो है पार कर लिया, नीचे उतर चुके हैं बिना कोई हानि के, सिर्फ थोड़े बहुत घसड़े हम, पर चलता है, उतर चुके हैं अभी, आगे जाएंगे थोड़ा पद्मालय की ओर बढ़ते हैं। शेलवार रे गाइस, तो आज हम आ चुके हैं अभी पद्मालय, तो अभी चलते हैं हम धीरे धीरे एंटर करते हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं ये रास्ता है, बैक कैमरा से आपको सब दिखाते रहते हैं। शॉप्स हैं यहाँ पर, अभी हमसे फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कुछ खास रखा नहीं है, सब बंद है, देखो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। पता है कि मंदिर फिलहाल बंद है, देखते हैं साइड से रास्ता है शायद, देखते हैं हम। अंदर आ चुके हैं हम, कौन कह रहा था बुड़बक के बंद है, आते वक्त प्रसाद ले लेंगे, आपके नाम से भी हम ले लेंगे, आपके नाम से हम दान वगैरह जो है वो भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो दर्शन नहीं ले सकते, जो लॉकडाउन की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हमने किया है, जवान है फिलहाल, सेहत है अपन, तो जवानी का पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है।
जो कर सकते हो करो, घूम सकते हो। देखो अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। नेचर का पूरा आनंद उठा सकता है एक आदमी। तो काफी बंदे जो है मास्क नहीं लगा रहे भगवान के नाम पे, जो है उनको लग रहा है कि भगवान उन्हें बचा लेंगे। बचा तो लेना चाहिए, पर थोड़ी जिम्मेदारियां अपनी भी है। भगवान सिर्फ तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं भैया, मेहनत तो तुमको करने का है थोड़ा बहुत। शायद से आगे बंद हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि आने के लिए कोई तो रास्ता तो फिलहाल दिख नहीं रहा। देखते हैं अभी आगे। यहाँ पर है मंदिर वगैरह, आपको दिखा देंगे अच्छी तरीके से, चारों तरफ से घूमेंगे। इनका ख्याल रखो भैया, ये जो है बहुत प्यारे मंदिर। फिलहाल अंदर एंट्री है, ठीक है। तो हम अंदर आ चुके हैं गाइस, जो है बहुत पुराना है भैया। यहाँ से नज़र आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जा सकते थे, बट क्या है पहले ही कोरोना है। आगे जो है गेट है, मंदिर बंद है का? बंद है, मंदिर बंद है। यहाँ पर जो मिल रहा है वही, उसी को सुकून मानिए, ठीक है। चलते हैं रिटर्न, या फिर थोड़ा और आगे जाएं, थोड़ा और आगे जाएं। ये जो सर्कल से सर्कल दिखाई दे रहे हैं, अच्छा है यहाँ पे मैनेजमेंट है। इतना कोने में भी सर्कल, यहाँ पे मानते हैं कि सब कुछ लोग कर सकते हैं। मतलब इतना कोने में भी अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो इंडिया भी बहुत आगे है मेरे भाई, इंडिया किसी से कम नहीं। अभी पीछे जा रहे हैं हम वापस। एक दो दिन रहने के लिए बहुत मज़ा आएगा, बट जो है ज़िंदगी अगर गुजारनी हो ऐसे घरों में तो भैया आपको ना बेड के पास चार्जर चाहिए। आप कहाँ रहोगे भैया यहाँ पर, समझ रहे हो। आगे बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। ये देखो नीचे फीवर ब्लॉक लगा दिए जा चुके हैं, पीछे बंदे हैं, लोग हैं। अच्छा लगता है खुद को, हमने जो है कस्टम्स को जो है पॉज कर दिया था, खुद को भी टाइम देना ज़रूरी है भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी फीवर ब्लॉक है, यहाँ पे बंदे हैं, लोग हैं, यहाँ पे नेचर देख सकते हैं आप। घरों से कभी निकलो यार, एक बात कहूँगा, पब्लिक से कभी निकलो। लोग खाना खा रहे हैं, ये हॉल है शायद। लोग हमें कहीं न्यूज़ वाले, न्यूज़ रिपोर्टर का तो यहाँ पे बंधु नहीं समझ रहे, वो एक देखने वाला सीन रहेगा। हम यहाँ से अंदर आ चुके हैं, देखो थोड़ा हम जो है थोड़ा करीब तो जा चुके हैं, पर भगवान के पास नहीं जा। भगवान सब जगह है यार, भगवान सारी जगह है। मज़ा आ रहा है, अभी चलेंगे हम, एग्जिट लेते हैं यहाँ से, भीमकुंड की तरफ हम चलेंगे। यहाँ पर बकरियाँ हैं, गेट समर वहाँ नहीं, लव नहीं, वहाँ नहीं है भैया। चलो चल रहे हैं हम आगे, बढ़ रहे हैं। सो हमने जो है भगवान का पद्मालय का दर्शन ले लिया है, अभी जो है हम भीमकुंड कहा जाता है जिसे, हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो ये पीछे उनके एंट्री गेट है, हमारे जो है पीछे ये है, ये उनका गेट है,
गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। बैक कैमरा से सब दिखाता हूँ धीरे धीरे। चलो चलो, इतना पौधा था पानी गिरा पूरी, पानी नहीं बोल रहे। देखते हैं अभी नीचे जाके पानी आएगी नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। खड़खड़ वाली लकड़ा गड़ा गड़ा है। चले सीढ़ियां उतरने में तो मजा आ रहा है, चढ़ने में तो देखो कैसा मजा आएगा। पांडवों के भीम, उन्होंने यहाँ पे अपना एक पैर जमाया था जो कि छप चुका है यहाँ पर, इतना स्ट्रांग वो भगवान थे हमारे। देखते हैं, हम आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। चलो ये भीमकुंड है गाइस, यहाँ पे जो है पैर है, देखो ऑलमोस्ट एक पैर का आकार है, ये उंगलियों के निशान है। हाइब्रिड खा के ऐसा हो गया। चलो आगे चलते हैं, अभी हम थोड़ा नहाने का बजट देखेंगे। हो गया काफी अच्छा नजारा है, हमारी पब्लिक कहाँ गई पता नहीं। लग चुकी है 100 रुपए, जो हारेगा वो हमको 200 रुपए देगा। पार्टी है आगे रास्ते में, जैसा आपको हमारे हालत से पता चल ही रहा होगा, हम जो है इतना ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी तो हम आ चुके हैं नदिया किनारे दिलीप पर, अभी हम जाएंगे इसमें थोड़ा सूर मारने को टपाकची। चलो अभी थोड़ा आते जरा, होके आते जरा। अरे Thank you.
गाइस, तो नाव के हो गया हमारा, स्विमिंग वगैरह हो गया है। सो अभी हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए। लगा तो रास्ते में कुछ मन मस्ती के लिए रुकेंगे थोड़ा, इच्छा हुई तो और पानी लगा तो अच्छा। ठीक है, चलते हैं, अभी जा रहे हैं। होप के ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर देंगे या फिर आगे अगर कोई स्पॉट मिलता है अच्छा तो वहाँ रुकेंगे। चलो स्टे ट्यून, एनकाउंटर के साथ बने रहना।